उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से धूप खिलने के कारण अनुमान लगाया जा रहा था कि जल्द ही देश से ठंड की विदाई हो जाएगी, लेकिन कल यानी शुक्रवार को मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली। दरअसल कल शाम दिल्ली NCR के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। इस दौरान हवा की रफ्तार भी तेज रही थी, जिसके कारण राजधानी में एक बार फिर ठंड ने लोगों को सताना शुरू कर दिया। दिल्ली के द्वारका, उत्तम नगर समेत कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश के साथ ओले भी पड़े। हालांकि मौसम में इस परिवर्तन की आशंका IMD ने पहले ही जता दी थी। मौसम विभाग की माने तो इस बारिश का कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके प्रभाव से राजधानी का मौसम बदला और शुक्रवार शाम और रात में तेज बारिश हुई। वहीं IMD के अनुसार आज यानी शनिवार को भी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है और दिन में ठंड महसूस की जा सकती है। रविवार से मौसम कुछ साफ हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के भागों पर पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके कारण आज शनिवार को पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही इस विक्षोभ के कारण दक्षिण पश्चिमी हवाएं भी चलेंगी, जिसके कारण ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी आज आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी बादल का पहरा छाया रह सकता है, जिससे उम्मीद है कि यहां अगले 24 घंटों के दौरान मौसम सक्रिय हो सकता है। इसके अलावा दक्षिण में केरल और तमिलनाडु में भी आज बारिश हो सकती है। IMD की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर आज भी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, कांजीगुड, पहलगाम से लेकर कटरा, उधमपुर समेत सीमावर्ती इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड में उत्तरकाशी से लेकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के नेपाल से सटे हिस्से में कल बारिश होने के बाद आज भी मौसम खराब रहने की ही आशंका है। निचले इलाकों में ऋषिकेश और हरिद्वार, नैनीताल में बादल जरूर रहेंगे, लेकिन वर्षा की संभावना काफी कम है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फरबाद से लेकर लद्दाख तक में भी बारिश का पूर्वानुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।